से। जनपद बाराबंकी में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को डॉक्टरों ने इलाज के बाद दी छुट्टी। बता दें कि बाराबंकी में थाना सफदरगंज क्षेत्र के ग्राम जकरिया में नईम वारिस की पुत्री सना वारिस की शादी में बना खाना खाने से तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार होने लगे। लोगों को खाना खाने के बाद से उल्टी दस्त जैसी गंभीर समस्याएं होने लगी। मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान और प्रशासन की तत्परता से लोगों की जान बचाई जा सकी। ग्राम प्रधान ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए तत्काल 108 डायल कर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम CHC बड़ा गांव पहुंचाया, जहां इलाज के बाद लोगों को राहत मिली। हालत में सुधार होने के बाद डॉक्टरों ने लोगों को घर भेज दिया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए बाराबंकी से विकास चौहान की रिपोर्ट। कैसे क्या हुआ? हमारे गांव में शादी थी नेमारी भाई को, सब शादी में प्रोग्राम चल रहा था, शादी में खाना पीना खा रहे थे सब लोग। ये अचानक शाम को उनको लोग को तबीयत खराब हो गई अचानक, तभी लोग को सब लोग को बड़े गाँव लेके सब डॉक्टर को गाँव में दिखाए, तो सब लोग इलाज किया, वो लोग कुछ लोग सब ठीक है सर। इमरान कैसे क्या हुआ? हमारे गांव में कल शादी थी, उसी में लोग दावत में गए, खाना खाए, उनमें क्या दिक्कत हुई ये तो किसी को नहीं पता, मगर वो खाने के बाद लोगों की हालत गड़बड़ होने लगी। फिर कुछ लोग गांव में दिखाए, फिर विधायक जी को फ़ोन किया गया, उन्होंने पूरे परिवार से यहाँ टीम लेकर आए, बाकी कुछ लोग बड़े गाँव भी गए, जिससे अब गाँव में सुकून है। बाकी विधायक जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने हमें रात में गाँव में आकर हमारे गाँव का सहयोग किया। क्या नाम है आपका? जो तो कैसे क्या हुआ? खाना खाए पे आए, पेट में दर्द हुई, आगे से जलन हुई, पलटी होने लगी, बड़े गाँव लगी। इलाज हुआ? हाँ। आप कैसी है तबीयत? ठीक है, हाथ पांव में केवल दर्द है, बाकी कुछ नहीं। आपको कैसे क्या हुआ? लड़का है क्या? ये तो ठीक है। क्या नाम है आपका? कैसे क्या है पूरा मामला और आपकी जानकारी में है था या नहीं था, कैसे क्या हुआ आप बताने की कृपा करें। कल हमारे गांव में जो तो नई मारिस की लड़की की शादी रही, वहां पर सबकी दावत रही, अब वहां पर जो है तो खाना खाने के बाद में फिर जो है तो करीब 2-3 घंटे के बाद में थोड़ी तबीयत लोगों की बिगड़ने लगी, और फिर डॉक्टर के पास गए, और गाँव के भी डॉक्टर भी इंजेक्शन दिए, फिर उसके बाद एम्बुलेंस से 4 ट्रोई आ गई, जो जानने वाले रहे वो भेजे, फिर टीम आई गई, फिर डॉक्टर लोग जो है पूरा होगा कंट्रोल हो गया, कैसे कोई नहीं, आप सब ठीक ठाक है, कोई कोई बात नहीं, और जो नहीं पता चला कि काहे से नहीं रहा थोड़ा मत, और जो चीज़ का फर्क रहा हो। तो उपचार में आपके यहाँ किस प्रकार से सूचना आपने दी और कैसे क्या हुआ? नहीं, तुरंत मोबाइल पर जो है तो उसे एम्बुलेंस को मतलब वार्ड नंबर पर जो है तो मतलब गवा, और डॉक्टर से भी मतलब पूरी बात हुई, और विधायक भी आए, गौरव रावत भी आए, उन्होंने अपनी पूरी प्रयास की, दादमा भी आए, सबको आए और पूरी मतलब सहयोग दी, और गांव बस्ती के भी सब सहयोग दी, जो जिनका जितना हो सका, अब वो कोई ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब कंट्रोल। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।